अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर वन एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन और टू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं ये सिंगुलर मैट्रिसेस हैं या नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो हमें ये समझना होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल, कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो हो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो ना हो, यानी कि जिसका हम डिटर्मिनेंट लें और वो ज़ीरो के इक्वल ना आए, तो वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमने इस क्वेश्चन में यही बताना है, लाइक पार्ट वन में ये मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर तो वो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल ना आया तो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3, 6, 2, 4। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट के लिए हम ये साइन लगाते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं। तो डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना होता है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं ठीक है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4, दरमियान में माइनस का साइन लगता है, और 2, 6 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट 4 3s are 12, −6 2s are 12, तो 12 − 12 0। तो देखें इसमें मैट्रिक्स ए का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जो कि ज़ीरो के इक्वल आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। राइट, अब हम इसी क्वेश्चन के पार्ट टू की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी हमने बताना है कि जो मैट्रिक्स बी है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसका भी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं मैट्रिक्स बी का, इसकी एंट्रीज हैं 4, 1, 3, 2। तो इसका डिटर्मिनेंट 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दरमियान में माइनस का साइन, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 2s are 8 −3 1s are 3। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट आया है वो इज इक्वल टू 5 आया है, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। ये इज इक्वल टू के ऊपर जो इस तरह लाइन लगा देते हैं इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 0। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो उसको हम कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स बी जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन के पार्ट वन और पार्ट टू की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट 3 और 4 सॉल्व करेंगे। सो इवन दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चन आर क्यूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।